एक मिनट, इसे फ्रेश दाना देते हैं। ये लो जी, सारा दाना खाओ। चलो इनको भी दाना डाल देते हैं। चीकू, ये चीकू को भी डाल दिया, इनको भी डाल देते हैं। सारे चीकू मिल के दाना खाएंगे। लो जी, ये लो, शाबाश, खाओ। इधर वाले लव बर्ड को भी। ये रह गए आप, इन्हें भी दाना डाल देते हैं। ये थोड़ा इससे और ले लेता हूँ मैं। ये जी, एक मिनट, इसकी तार लगी, तार उतार लूँ पहले। लो जी चीकू, ये लो मज़ेदार दाना आपके लिए लेके आया हूँ, अच्छा वाला। हेलो चीकू, ऐसे अब इसकी तार लगा देता हूँ क्योंकि ये बाहर आ जाता है फिर मसला बनता है ना चीकू। चलो भाई, लारा कैसी हो? लारा के अंडे चेक करते हैं। पड़े हुए अंडे, इन्हें मैं तंग नहीं करता, ये जो अंडे अपने ख़राब कर देते हैं, वरना एक अंडा तोड़ दिया था इन्होंने पहले। अब अंडे नहीं तोड़ने, अंडों में से बच्चे निकालने हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने बच्चे सेम करने हैं। और इन सब को भी अभी सॉफ्ट फूड देना है, और इस पैरट को मैंने फीड करवानी है। ये बेचारा थोड़ा ना कमज़ोर हो गया था, तो खुद से खाना खा नहीं रहा था ये सही तरीके से, तो इसे मैं फ़ीड करवा रहा था। ये देखें, अभी मैंने फ़ीड करवानी है, कल का बर्तन इसे मैं धो लेता हूँ, तो न्यू फीड बना लेता हूँ। तो गाइस, फीड रेडी हो गई है। ये देखें, इसके अंदर मेडिसिन मैंने डाली है, और ये मैंने तैयार किया सिरिंज, और ये इसके साथ जो है ना मैं अपने बर्ड को फीड करवाऊँगा। तो बर्ड पकड़ता हूँ, इसे फीड करवाता हूँ। तो गाइस, इसे पकड़ के मैं ले आया हूँ, और इसे थोड़ी सी फीड करवा देते हैं। इसके अंदर खाना खाया हुआ है, लेकिन मज़ीद इसे थोड़ी सी फीड करवा देते हैं। बड़े आराम से ये खा लेगा। एक मिनट, और इसके फेस को हमने साफ कर देना। अब ये बिल्कुल ठीक है, देखिए रेड आइज, बहुत ही प्यारा है वाइट कलर का। अब इसमें रख देता हूँ, ये भी काम हो गया हमारा। बेला को आज फिर खुला हुआ है, और बेला मस्तियाँ कर रही हैं। हेलो बेला, गिडी 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 गिडी, इधर आओ बेला, इधर आओ, इधर आओ। हेलो बेला, ये देखें मास्टर केयर के परिंदे भी बाहर निकालते हैं, मुर्गियाँ शुर्गियाँ जो सारी हैं हमारी। ये देखें हमारे खरगोश डार भी रेन के पास आ रहे हैं बेला के। ये देख, वाक हो रही है वाक। इधर आओ। ये देखें, ट्रेंड काट लिया बेला को भी, इसे बांध देता हूँ मैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारे छोटे रैबिट्स के पाँव पे जो है ना चोट लगी हुई है, पता नहीं क्या इसे हुआ, देखें रेड रेड हो गया। तो हो सकता है इन मुर्गियों ने मारा हो, लेकिन मुर्गियों वाला ये भी निशान नहीं लग रहा, ये तो ऐसे लग रहा जैसे किसी बिल्ली ने मारा हो। यानी कि इसके पाँव पे देखें, और बहुत ज़्यादा है, इसमें पायोडीन लगाता हूँ क्या, जैसे गोश्त उतर गया ऊपर से, मांस उतर गया। तो ये भी एक बुरी खबर है, बेचारा परेशान हो रहा। मैंने अचानक देखा, मेरे क्या इसके पाँव को क्या हुआ है, तो फिर पकड़ा मैंने इसे, इसके पाँव पे जो है ना जख्म है, फिर भी भाग रहा है ये। हो सकता है इधर से जो है ना ये पाँव इसका बाहर आया हो, और जंगली बिल्ली आई होगी इसे मारा होगा। तो बाकी माशाल्लाह से सारे रैबिट ठीक हैं। ये वाला बेबी रैबिट जो है ना इसके पाँव पे लगी, इसमें पायोडीन लगाता हूँ, बेचारा। मैं गाइस इसे ले आया हूँ बेबी रैबिट को, इसके इस तरफ जो है ना बहुत ज़ोर से चोट लगी हुई है, पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं इसे पायोडीन लगा लेता हूँ, बेचारा। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। एक मिनट, इससे ये ठीक हो जाएगा। मैं अब अंदर छोड़ता हूँ, पता नहीं इसने खुराक भी खाई है कि नहीं खाई। गाइस, जो होना था वो हो गया, मुर्गियों को बाहर निकालते हैं।
गिडी 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 गिडी, चलो 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 चलो, गिडी 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 गिडी। बेबी रैबिट को नहीं हमने बाहर लेके जाना, चलो चलो आप चलो आ जाओ। चलो 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 चलो, ये क्या, कभी अंदर जाते हैं कभी बाहर आते हैं। और गाइस ये हमारा चूज़ा भी एक एक्सपायर हो गया, ये मैं सुबह ऊपर आया था जब, तो ये मैंने एक्सपायर चूज़ा निकाला था, इसे मैं दफनाता हूँ। पता नहीं क्या मसला हो रहा है, चूज़े सारे एक्सपायर हो रहे हैं, तो शायद ये छोटे थे ज़्यादा और मुझसे संभाले नहीं गए। सर्दी भी नहीं है इतनी, वैसे आज वाला मौसम ठंडा हो गया, जैसे कल था बारिश वाला वैसे मौसम हो गया, तो फिर भी मैंने मुर्गियों को बाहर निकाला क्योंकि कल नहीं निकाला था, मैं कहा आज निकाल देता हूँ, इसे मैं दफनाता हूँ। और अपने रैबिट को जो है ना पायोडीन मैंने लगाई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पायोडीन लगाएंगे। उसका पाँव देखें बिल्कुल जो है ना वो हो गया है, ये वाला रैबिट था बेचारा, बेबी रैबिट, इसका पाँव देखें टूट गया सारे का सारा, तीन पाँव से चल रहा है। पता नहीं बिल्ली ने अटैक किया, किसने अटैक किया, ये देखें बेचारा रैबिट हमारा मासूम सा है, और इसे एक पाँव का मसला बन गया। मुझे तो यही लगता है इधर से, जैसे ये चिपका हुआ है ना ऐसे चिपका होगा ये, तो बिल्ली आई होगी जंगली, उसने एकदम से इसे पकड़ लिया होगा और इसका मांस खींच लिया, इसका पाँव भी ज़ख्मी हो गया बिल्कुल, वो ऐसे ढीला था उसने रखा हुआ है, तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है देख के। तो तीन पाँव से अब चल रहा है बेचारा, सबसे छोटा था इन रैबिट्स में से, तो क्या कर सकते हैं, ये नेचुरल है। मैंने आके जाली लगाई हुई थी, पर्दा मैंने बाद में आके किया, जब मैंने पर्दा किया उससे पहले शायद ये मसला हुआ होगा, लेकिन मुझे आज पता चला ये रात को शायद मसला हुआ होगा, शायद 10 बजे रात के जब पर्दा मैंने नहीं किया हुआ था, 10-11 बजे पर्दा कर लेता हूँ। चलो इन्हें अब दाना वगैरह डालते हैं और इस चूज़े को मैं दफनाता हूँ जाके बेचारा। सारी सब्जियाँ वगैरह मिक्स माल, और इनका पानी भी फ्रेश इधर रख दिया, और अंदर रैबिट्स को भी घास देते हैं। एक मिनट रैबिट, एक मिनट। वैसे मैंने उसे दवाई जो है ना 2 दफ़ा लगाई है, वो बच्चा जो, इसे 2 दफ़ा दवाई लगा दी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वैसे 3 पाँव पे चल रहे हैं, 1 पाँव इसका डैमेज हो गया, तो वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इधर से जैसे ये है ना ऐसे ऐसे सेम ऐसे बिल्ली ने बाहर से अटैक किया होगा, उसको जो ना नुकसान पहुँचा। चले मैंने खुराक देता हूँ, गिडी गिडी गिडी। ये लो बेबी रैबिट, ये जो ज़ख्मी था इसे मैं इधर लेके आता हूँ, ओहो भागता वैसे तेज़ स्पीड में है, इधर लेके आता हूँ। इधर आओ बेटा, इधर आओ घास खाओ, ये देखो खा भी रहा है वैसे, लेकिन बहुत दुख हो रहा मुझे, इतने मासूम सा बेचारा, उसे चोट लग गई है। इन्हें भी दाना डाल दिया, अंदर देखें सारे पिजन का भी दिल कर रहा है बाहर आएं, लेकिन इन्हें बाहर नहीं निकालना, वो देखे परिंदे जा रहे इतने प्यारे लग रहे हैं इकट्ठे, तो इन्हें बाहर इसलिए नहीं निकालना क्योंकि मौसम ठंडा है, इन्हें भी थोड़ी देर बाद मैंने अंदर कर देना है, तो बारिश का सीन लग रहा है। मिठू कुकी कॉकटेल के साथ तो कल खेले थे, बड़ा मज़ा आया था है ना कॉकटेल, ये भी टेम हो सकते हैं। हेलो बेला के लिए मैं दूध लेके आया हूँ, दूध और पानी मिक्स है, ये देखें खालस दूध इन्हें देना तो इन्हें मोशन लग जाते हैं। एक मिनट बेला, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलो तो गाइस बेला उधर दूध पी रही है, बाकी भी सारे दाना पानी खा रहे हैं। तो अंदर जाके हम अपने मिनी रैबिट्स को देखते हैं, पहले मिनी रैबिट्स ये थे, हाफ मिनी रैबिट्स उस बॉक्स में है, और चूज़े भी देखें किस तरह घूम रहे हैं मज़े में। हमारा बेचारा इसके पाँव पे चोट लगे, वो भी शुक्र है खाना खा रहा है, मैं डर रहा था कि कहीं खाना नहीं खाएगा तो मसला बनेगा, तो शुक्र है वो खाना खा रहा है, तो अब टेंशन की बात नहीं है, खाना खा रहा है। पायोडीन मैंने इसे 2 दफ़ा लगाई है,
तो पायोडीन लगाने से ये होगा कि वो जल्दी सेट हो जाएगा। और अपने मैं यहाँ पे छोटे रैबिट्स भी देखता हूँ कैसी पोजीशन में है। जो आपने ही अंदर जाना, चूजे मेरे पास आ रहे हैं छोटे, देखते हैं कैसी। ये देखें, ये हैं सारे माशाल्लाह, ठीक है। एक काफ़ी ज़्यादा बाल इसने ना फीमेल ने यहाँ पे रखे हुए, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है ये सब ठीक है। मुझे डर था कि मुर्गियाँ अगर अंदर चली गई ना, तो जैसे पहले हमारे रैबिट्स छोटे छोटे एक्सपायर हो गए थे ना, तो ये भी एक्सपायर हो सकते हैं, तो बस ये डर था। वो डर उतर गया क्योंकि मुर्गियाँ अंदर नहीं जा सकी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ईंट लगाई हुई थी, तो मुर्गियों के अंदर जाने की जगह नहीं बनी, तो हमारी जो रैबिट फीमेल है वो ही अंदर सिर्फ गई थी, तो वो आराम से अंदर चली जाती थी, बाहर आ जाती थी, और बच्चे उसके माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, गुड है। तो गाइस चेक करें, हमारी मुर्गी जो है ना दूध पी रही है, बिल्ली का बैला का दूध जो है ना वो पी रही है, और पहले भी दो मुर्गियाँ आई हैं और इधर से दूध पी के गई हैं, हमारी मुर्गियाँ भी दूध पीती हैं। इतनी हैरानगी की बात है, ये देखें बड़े मज़े से पी रही है, उसे पसंद आया। और इधर से ये शायद ब्राउन वाली मुर्गी थी, ये वाली, तो ये भी गई थी, इसने भी दूध पिया यहाँ से दूध पी रही है, तो इधर का दाना छोड़ के तो इधर आ गए, इन्हें अच्छा लग रहा दूध, तो पी लें कोई मसला नहीं, हमें पहला पिए या वो पिए, हमने तो दे दिया खाने पीने के लिए। तो अब मैं इन्हें बंद करने लगा हूँ, देखिए मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, बारिश के आसार, हल्की हल्की बारिश जो बरीक बरीक आना शुरू हो गया, तो इन्हें मैं बंद करता हूँ। गिडी 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 गिडी। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आज गाइस हमारे रैबिट के ऊपर जो छोटा बेबी था उसके ऊपर अटैक हुआ है, पता नहीं किसने अटैक किया, बिल्ली ने मेरे ख्याल से अटैक किया होगा, जब वो जाली के साथ इस तरह चिपका होगा तो बिल्ली ने अटैक किया होगा और उसे ज़ख्मी कर दिया, तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ बेचारे के साथ, लेकिन उसे पायोडीन मैंने लगाई है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।